आप सभी का सादर अभिनंदन ओके हाउ मेनी ऑफ अस डोंट अंडरस्टैंड इवन ए बिट ऑफ इंग्लिश हियर आई मीन हिंदी एक शब्द भी हिंदी की समझ में नहीं आती कितने लोग होंगे सब लोगों को समझ में आती आई एम सेफ नाउ एंड डोंट आस्क मी क्वेश्चंस you know i found funny questions okay before i start i tell you just come out of your shell you are a grower or farmer i don't understand the difference between a grower or a farmer or chemical non chemical all that poly house sab sare house se bahar a jao just become the <laughs> normal person you know i found few questions funny i mean don't take it personally again कोई पर एकड़ ही बता रहा है तो उस बोलते हैं एक पौधे में कितना आता है कोई एक पौधे का बता रहा है तो पूछ रहे पर एकड़ में कितना आता है you know <laughs> i find it confusing i mean just uh, funny uh, this thing so does, did it make sense to you <laughs> yesterday from yesterday i was just observing whatever we do from the morning to evening attending the seminars and sessions going to farm the water is the integral part of life for the mother earth i mean it's no more mother anyway it's a utility for us now it's earth

ड्रिंक लिटिल मोर वाटर यू एग्री विद that? तो अभी मैं देख रहा था जब हम चाय के बाद दूसरे सेशन के लिए बैठे तो नए बॉटल्स आए और पुराने बॉटल्स उठा लिए गए उसमें से पानी था आधा था नहीं तो क्वार्टर था एंड that इज़ आई आई डोंट थिंक इट्स लेस देन ट्वेंटी वन रुपीज़ ए लीटर हम यहाँ जब बिजनेस की बात कर रहे थे तो पर प्लांट वी डू द कॉस्टिंग लाइक ट्वेंटी पैसा फोर्टी पैसा समथिंग नो इज इट आई फाउंट इट ट्वेंटी पैसा पर एम दस साल पहले ख़रीदने की बात होती थी तो हंसते थे हम कि पानी खरीद के पीता है आज फ्री में लेते हैं तो हंसता है हंस हंसी आती है यस और नो एंड नो मैटर व्हाट टेक्नोलॉजी यू मेक आई एम श्योर एट लीस्ट माई जनरेशन विल नॉट सी दैट ई टेबल्स आर गेटिंग डाउनलोडेड फ्रॉम यूट्यूब अगले जनरेशन का पता नहीं वो लोग तो 99% 100% स्कोर कर रहे हैं मे बी दे विल गेट आई डोंट नो बट अभी तक का पता नहीं पानी भोजन ये सब यूट्यूब से नहीं आएगा पुराने मोबाइल का नाश्ता नहीं कर सकते और खाना है तो उगाना पड़ेगा एंड दे सेड यस बट नो वो क्वेश्चन आते ना द स्टूपिड इंटेलेक्चुअल माइंड विल क्वेश्चन एवरीथिंग व्हाट इज गुड दैट टू इफ इट इज़ इंडियन वी हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन भारत में भारतीयता की बात करें तो बड़ी परेशानी होते हैं एंड अदर कंट्रोवर्सी यूनिवर्सिटी वॉज देयर एंड आई जस्ट टॉक्ट अबाउट काउज एंड काउज एंड काउज एंड सिम लिटिल विथ वेदास द रेफरेंस वॉज गिवन बाय अमेरिकन साइंटिस्ट और ब्लॉगर नो। तो उनका ये दिया तो बाद में द डीन वर्स टलिंग में यू नो दिस प्लेस यू कान टॉक अबाउट काउस एंड वेदाज स्टूडेंट्स विल कम एंड हिट यू क्या हो गया ये तो भारत की चीज़ है नो यू कान टॉक अबाउट काउस भारत अजीब देश है भारत के लोग और भी अजीब हैं कुत्तों की बात करो गधों की बात करो नो डिबेट बट ओनली और द काउज वी डिबेट वेदर आई विल ईट और वेदर आई विल नॉट इट वाई देर इज ए बैन एंड वाई देर इज़ नॉट ए बैन ओनली अबाउट काउज एंड वैन आई डिग लिटिल मोर अबाउट द काउज इन आवर यू नो कश्यपा रहस्य एंड पराशर रहस्य कृषि रहस्य आई फाउंड दैट नो हुर इन दैट फुल टेक्स्ट वॉट एवर इज अवेलेबल नाउ दे हैव मैंशनड कि बिना गाय का पानी और बिना पानी का गाय इट्स ऑलवेज देयर बोथ थिंग्स बट फॉर ए साइंटिफिक सो कॉल्ड साइंटिफिक माइंड यू नो भारत की चीज को हम दो ही चीज में तोड़ते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक एविडेंस दिस टू वर्ड साइंटिफिक एंड एविडेंस भारत की हजारों दस हजार साल का जो परंपरा है उसको हम गोली मार देते हैं कौन सा वो साइंटिफिक एविडेंस इज जस्ट टू हंड्रेड ईयर्स ओल्ड आई एम आई एम सॉरी आई एम नॉट to टू ऑफेंड Science is साइंस इज़ वेरी गुड बट believe, आई बिलीव has taught हैज़ टॉट मी दैट root and योर रूट एंड ब्रॉडन योर किसी पे आप जड़ की बात सब लोग कर रहे थे ना कोई पौधा होता है तो उसका जड़ के लिए इतना 45 mm चाहिए मिट्टी चाहिए अरे जड़ की बात करते हो तभी तो फल की बात करते हो हमारे लिए जड़ क्या है Deepen your योर रूट ब्रॉडन योर विजन अगर अपनी संस्कृति अपने देश की बात को छोड़ के हम अमेरिका को पकड़ने जाएंगे तो अमेरिका जो जाएगा बेटा लौट के नहीं आएगा उधर ही रह जाएगा और आप ओल्ड एज होम में जाएंगे है जब अपनी संस्कृति और चाणक्य ने कहा है कहीं पर कि व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब परिवार सुरक्षित हो समझ रहे हैं आप इंडिविजुअल कैन बी सेफ ओनली वन द फैमिली इज सेफ एंड फैमिली विल बी सेफ ओनली वन द सोसाइटी इज सेफ सो सी द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी एंड सोसाइटी एंड धर्म एंड संस्कृति कैन बी सेफ ओन विद इन द नेशन इज सेफ जब राष्ट्र सुरक्षित है तभी संस्कृति सुरक्षित है लेकिन अब हुयर्स देश दुनिया भाड़ में जाए आई शुड हैव माई हेल्थ इंश्योरेंस आई शुड हैव माई जॉब माई बच्चा इज एन ए गुड इंग्लिश स्कूल वो घर में आके भी ट्विंकल ट्विंकल करता है वो एक दो तीन चार नहीं बोलता यू you नो know, वो आई करके अमेरिका जाएगा या गधा हो गई थी इंडिया में क्या करेगा तू उनका बेटा तो वहाँ चला गया उनका बेटा तू जा ना और बूढ़े जब हो गए तो बस लोगों को सुनाते मेरा बेटा अमेरिका में रहता है मैं तो ऐसा हाँ कि ना सत्य है कि नहीं है तो अब वो यूनिवर्सिटी में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा आई मीन इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल वन वहाँ जाके बोलते गायत्र में बोला यार तो कुत्तों की बात कर सा पहले आप बोलना था मुझे आपने बुलाया मुझे एंड यू नो दैट यू नो आई आई एम ए फार्मर विद फेसबुक आई एम नॉट आई हैव द कॉरपोरेट एक्सपीरियंस ऑफ टेन ईयर्स बट दैट इज डिलीटेड पार्ट ऑफ माई लाइफ आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट इट आई वॉज इन सन नाउ एम इनशेड फॉर फोर फाइव ईयर्स आई ग्रो फूड एंड आई फाइंड अ बिग डिफरेंस बिटवीन मनी एंड फूड मैं लोगों को बोलता हूँ कि आई हेयर टू टेल यू दैट द लिंक बिटवीन द फूड एंड मनी इज गेटिंग वीक एंड नाउ कमजोर पड़ रहा है भोजन से पैसे से फूड पॉइजनिंग आती है आता है कि नहीं आता वी आर द सेम ब्रीडर कम्युनिटी ग्रोअर कम्युनिटी फार्मर्स कम्युनिटी इतना केमिकल की हम बात करते हैं एंड एवरी अदर डे द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग राइट है ना कितना भी कवर लगा, लगा लो वो डोंट वी हैव मोर प्रॉब्लम्स

मैं बोला भाई कहाँ से हो आप एम आई एम छत्तीसगढ़ मैं बोला यार तू ही छत्तीसगढ़ <laughs> तो हिंदी में बोलना तो बोला नहीं आई कम टू सी फार्म बोला अच्छा ठीक है तू हिंदी बात कर यू नो मैं मारूंगा नहीं यहाँ पर तो अंग्रेजी बोलना आश्रम में 160 देश के लोग आते हैं सब अपनी भाषा में बात करते मंगोलियन को तो कुछ भी नहीं आता फिर भी गुरुजी उनसे बात करते हैं तू बोल अपनी भाषा तो बोलता है यार मुझे फार्म दिखा दो तो घुमाया तो हमारे पास 400 गाय हैं देसी गाय मेरे लिए गाय माने देसी होता है अगर आपको नहीं पता हो कि गाय में क्या क्या ब्रीड होता है तो है ना देसी इज़ द गाय अदर इज़ नॉट द गाय तो उसको मैंने दिखाया तो बोला ये गोबर डालता हूँ गोबर से खेती करते हो मतलब क्या हो गया नहीं मैंने तो सुना था गोबर डालोगे तो गोबर ही उगेगा आई डोंट नो हाउ मनी ऑफ फर्स हेयर ऑल्सो आर बिलीवर इन दैट बट उसने मुझे कहा बोला तू क्या करता है मैं तो केमिकल डालता हूँ जी पेस्टिसाइड डालता हूँ और दस बीस उसने सुना दिया जिसका मुझे स्पेलिंग भी नहीं पता आई आई एम श्योर यू ऑल्सो होंट नो दू नो स्पेलिंग्स तो बोला अभी क्या करना है क्या उगाते हो आई डू एक्सपोर्ट बट यू नो द पपाया वॉट आई ग्रो आई डोंट सेंड इट होम आई टेल यू आई रियली फील लाइक स्लैपिंग दैट फेलो मैं बोला तेरा बेटा बेटा है और मेरा बेटा बेटा, बेटा नहीं है आप समझ रहे हैं बोला कुछ तो खरीदता होगा तो बाजार से बोला हाँ कुछ तो खरीदना मतलब बात बराबर हो गई ना हुआ कि नहीं हुआ दीज काइंड ऑफ पीपल आर इन फार्मिंग एंड वी टॉक अबाउट गुड हेल्थ फॉर आर किड्स डू हैव एनी राइट डू एवरी थिंग एवरी थिंग यू डू मनी इज इट मैटर्स ए लॉट बट मुझे लगता है पैसे से बहुत कुछ आता है सब कुछ नहीं आता और वो बहुत कुछ और सब कुछ के बीच में भोजन अटक जाता है जी पानी अटक जाता है शुद्ध दूध जिसको साइंस या अंग्रेज ए टू मिल्क बोलते हैं पहले हम दूध बोलते थे अब पूछते हैं ए टू मिल्क इसमें फैट कितना है ये कितना है वो कितना है पूछते हैं ना यू नो सब कुछ वो पैरामीटर में सेट होना चाहिए और वो दूध पिएने से डिसेंट्री हो जाते कहते हैं ख़राब दूध अरे वो तू तो ने पिया ही नहीं कभी वो दूध अच्छी चीज़ पीने से पेट खराब हो जाता है आजकल है ना <laughs> तो उसको वो बोला अभी क्या करूँ मैं बोला क्या कौन सी फार्मिंग करता करते बोला इनऑर्गेनिक मैं बोला इन हटा दो जो बचा वो ऑर्गेनिक है और तुमको पता है खाली जस्ट फॉर द सेक ऑफ आस्किंग यू आर आस्किंग मी आई एम नॉट ए साइंटिस्ट आई कॉन्ट यू नो गिव ऑल द आंसर्स वॉट यू हैव यू नो द आंसर सो सी दैट द पपाया वॉट यू ग्रो यू ऑल्सो कंज्यूम एंड हैप्पीली यू गिव नहीं तो तेरा धन भी गया धर्म भी गया मैं बता तू तुमने तो 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 कमाया कि इतना बोला पिछले डेढ़ साल में पंद्रह लाख का लॉस हुआ बोला धन भी गया धर्म भी गया कि नहीं गया सौ की जगह अस्सी कमाता लेकिन तुम्हारा पपीता खा के किसी को कैंसर नहीं होता किसी का खून बन जाता कितना आशीर्वाद मिलता अन्नदाता बोलते हैं किसान को और गुरु जी ये बोलते हैं रोज बोलते हैं एटलीस्ट एक बार तो रोज बोलते हैं गुरु जी कि जब भी खाने बैठते हो तो तीन बार अन्नदाता सुखी भवा बोलना द ग्रोवर शुड बी हैप्पी द फार्मर जो हल चला रहा है अब तो ट्रैक्टर चलाते हैं द वन हुच यू नो पायलट्स द फूड ग्रेन फ्रॉम द फार्म टू द शॉप वो भी खुश होना चाहिए और जो आपके यहाँ कुक करके दिया आपकी बहन आपकी माँ बीवी वो भी खुश होनी चाहिए तभी वो अन्य से खून बनेगा और यहाँ शांति होगी वो तीनों अगर खुश नहीं है तो इधर शांति नहीं होगी पैसा भले होगा यू नो समवन पोस्टेड ऑन फेसबुक इफ यू इफ यू फील दैट इकोलॉजी इज लेस इम्पॉर्टेंट देन इकोनॉमी होल्ड योर ब्रेथ एज यू काउंट द मनी आप समझ रहे हो और मैं वहां बी में था तो एक अमेरिका सॉरी पंजाब के एक एक्टिविस्ट मिले यू मस्ट बी नोइंग द पंजाब इज द स्मॉलेस्ट प्लेस आई मीन जमीन की तरह से कि उतनी जमीन में उतना भोजन दुनिया में कहीं नहीं उगता था दस पंद्रह साल पहले एंड दैट टाइम पंजाब मतलब पंज माने पांच आप माने नदी वहां पांच नदियां थी और द, 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 द वाटर लेवल हुआ जस्ट फिफ्टीन टू ट्वेंटी फीट इन इन 2006 और 7 आई हैड बीन टू पटियाला से थोड़ा बाहर एक गांव में था वहां तो एकदम मतलब बोरवेल तो ऊपर ही है 15-20 फीट में आ जाता था पानी 24 घंटे बिजली एंड दे हैव टू वाटर एग्जैक्टली द सेम डे जैसे गेहूं के फसल में पाँच पानी देना है तो एकदम डेट फिक्स है उस दिन देना ही है चौबीस घंटे बिजली थी फिर भी सबके पास अपना जनरेटर था कि अगर उस दिन कट गया तो और ऐसा करते करते अभी डार्क जोन क्रिएट हो गए पंजाब में पता है आपको डार्क जोन मीन्स वाट कितना भी खोदो पानी नहीं है दो हजार फीट इज द नॉर्मल और उन्होंने बोला पांच गांव का एक समूह है पंचायत है उसके बाहर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं बाहर लिखा है विलेज इज आर ऑन सेल बोला इफ इफ कैनेडा ऑस्ट्रेलिया एंड यूके के थ्री कंट्रीज यूके ऑस्ट्रेलिया एंड कैनेडा इफ दे ओपन दियर डेस्क ओपन दियर वीजा ऑफिस फॉर पंजाबीज इन टू डेज पंजाब विल बी खाली यह हमारा विकास यह है हमारा विकास और अब वहां क्या कर रहे हैं मैंने सुना कि पाँच सात फीट की मिट्टी को हटा देते हैं वहां सीमेंट डालते हैं एक लेयर का उसके ऊपर फिर से मिट्टी डाल के चावल उगाते हैं रेपिंग द मदर अर्थ और आयुर्वेद को आप पढ़ो तो उसमें कहता है कोई भी आपको वैद्य बताएगा कि बेटा जहां रहते हो तुम वहां से सौ किलोमीटर की रेडियस में जो फूड उगता है ना सीजन वाइज वो तुम्हारे लिए लाभदायक होगा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य बनाना अलग चीज़ है बीमारी ठीक होना अलग चीज़ है है कि नहीं मेडिसिन इज सिकर इट नॉट हेल्थ केयर ब्रिंग कीप योर बेसिक्स राइट पहलवान को दवा की जरूरत नहीं होती स्वास्थ्य लाभ आयुर्वेद से होता है क्रोसिन खाने से तो सतत पता नहीं बुखार ठीक होता है और फिर दो दिन के बाद फिर वापस आ जाता है आप सहमत हैं हमारी बात से है ना सौ सौ किलोमीटर पे जितना उगता है ना वही तुम्हारे लिए खाने के लिए रहेगा और आज शिलोंग में अगर उगता है पता नहीं अरुणाचल में एप्पल उगता है तो मुझे भी एप्पल उगाना है बैगलोर में टेल मी व्हाट आई कैन डू व्हाट आई शुड डू टू डू दैट वॉन्ट यू फेल बेटा आपका इंजीनियर बनना चाहता है उसको आप कुछ तो बना रहे जबरदस्ती वो पागल होगा नहीं ऐसे भी सोलह प्रतिशत बच्चे भारत के स्ट्रेस्ड हैं दे कमिट सुसाइड बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स प्रेशर नाइनटी एट पॉइंट फाइव वाट दर यू डूइंग द कट ऑफ इज नाइनटी नाइन परसेंट वाट विल डू हैव यू हर्ड ऑफ दिस काइंड ऑफ यू नो डांट फटकार पांच नंबर कम आया उस वो बच्चा सुसाइड का सोलह प्रतिशत बच्चे हमारे स्ट्रेस्ड हैं एंड वाई इज दिस ऑल सर्कस टू मेक मनी बच्चा खुश नहीं है स्वस्थ नहीं है वो वो नहीं बन पा रहा जो हम बढ़ना चाहते हैं तो व्हाट द यूज व्हाट्स द यूज और वही मैं जब बोलता हूं लोगों को कि जब टंग जाओगे ना एन अदर फोर्टी फिफ्टी ईयर्स मोस्ट ऑफ एस विल नॉट बी हियर लेट्स एक्सेप्ट द ट्रूथ इजन इट जब फोटो में जाएंगे पता नहीं माला होप दे विल पुट माला <laughs> तो जरूर बोलेंगे टेल यू I have seen people, you know, few of my friends they have dogs at home, but their parents are in old age homes. It's the reality. The old age home is becoming a big business, big business. मैं 2012 से 14 तक ढोलक लेके सत्संग किया हूँ सारे old age homes में बेंगलुरु में तब जितने थे, है ना? That was the ढोलक was the only thing which which got me connected to spirituality and art of living and all that. Now I'm a full timeer there. और वहाँ मैं गया पाँच मिनट और वन ऑफ द ओल्ड एज होम इन जे पी नगर समर एक हमने सत्संग किया और वहाँ हम प्रसाद बांटने गए तो आई फाउंड दैट वन यंग लेडी आई मीन जस्ट रिटायर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट फिट एंड फाइन अ वीडियो वॉज टॉकिंग टू अ गाई तो मैंने सोचा डॉक्टर आएगा विजिट के लिए वो लड़का उससे ऐसे ही बात कर रहा था अभिया ठीक है ना सर दर ठीक है पंद्रह ना तो उठा जाए सीखता है देने गए तो मैं सोचा लो लेट्स वेट खत्म हुआ द मोमेंट द गाइट कम्स आउट वो माता जी एक लाइक अ फिश सी स्टार्टेड रोलिंग एन हर बेड तो मैं गया दौड़ के बोला आपको सर दर्द है बुखार है तो बोलना था ना उसको नहीं न मगाओ ना वो मेरा बेटा था कहाँ रहता है बोला तीन किलोमीटर दूरी है जेपी नगर में रहता है एंड ई इज़ द ओनली किड ऑफ माइन एंड लास्ट ईयर आई गॉट ही मैरिड जस्ट बिकॉज दैट गर्ल डजन वॉन्ट मी टू स्टे विथ हिम आई एम इन दिस ओल्ड इज होम

मे बी समाइम यू नो यूजिंग द टेक्नोलॉजी बट आई डोंट थिंक टेक्नोलॉजी हैज़ डन एनी थिंग गुड टू द नेचर अमेरिकन एक साइंटिस्ट था आई मीन साइंटिस्ट एक ब्लॉगर पता नहीं उसने लिखा था कि इवन इफ द ग्लोबल वार्मिंग इज बैलेंस्ड और एनी थिंग फॉर देट मैटर विच गिवस यू हेड एक इन द वर्ल्ड लाइक अनएम्प्लॉयमेंट चोरी डकैती ये वो सब कुछ सेटल्ड जितना टेम्परेचर आपको चाहिए वो पॉलीहाउस के अंदर बाहर सब रहेगा वैसा हो जाए स्टिल We can't take more than 60 crops from this earth now. 60, 60. And what he says, you know, he gives the reference of Vedas. He says, a handful of soil, if you husband it, I'm just reading his words. Don't catch me on technical terms. I'm a non technical guy. If you husband this, if you love this, it will give you food, shelter, fuel, and everything. You spoil it, it will die, taking the humanity along. रिग्वेदा वर्सेज सो एन सो एंड सो दैट अमेरिकन वेरी यंग फिलो हार्डली थर्टी थर्टी टू ईयर्स ओल्ड गए आई फॉरगट हिज ब्लॉग नेम एंड नेम ऑल्सो मे बी इन माई मोबाइल विलयर एंड देन ही सेज की ऑल द एग्रीकल्चर इन्वेंशन इन द वर्ल्ड हैपन जस्ट टू रेक द टॉप सॉयल नॉट इट्स नो मोर ए सॉयल इट्स अ डस्ट अ डर्ट मिट्टी और धूल में फर्क होता है पता है आपको मिट्टी और धूल में फर्क होता है कि इतना रेक किया इतना रे किया द वेट बेरिंग कैपेसिटी ऑफ ए फर्टाइल लैंड इज 40 50 के 30 थर्टी टू फिफ्टी के जी दैट इज वॉट ही सेड आई डोंट नो रियली आई डोंट नो बिकॉज मिट्टी को मैं तो जोतता ही नहीं मैं तो पत्थर पे उगाता हूँ जी बिना खुदाई के हुए तो वो बोलता है थर्टी टू फिफ्टी के जी देन जस्ट इट्स ट्रैक्ट माई माइंड की बैल से खेती करते थे हाउ साइंटिफिक एक बैल का वजन कितना होगा डेढ़ दो सौ किलो डिवाइडेडेड ऑन फोर फुट कितना हुआ हाउ साइंटिफिक लेकिन हम दादाजी को तुम्हारे ये लोग तो छोड़ो यार ऐसे ही कुछ तो बोलते रहते हैं आजकल कौन यू आर ए पढ़ा लिखा पर्सन कम ऑन मैन यू आर इन ट्वेंटी एथ और ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी स्टूपिड इट इज एंट इट नाउ वी हैव ट्रैक्टर्स मेरे दादाजी उसको ब्रह्म राक्षस बोलते थे जब पहला ट्रैक्टर आया बोले कि देखना अब तो तु, जब तुम मेरे एज में आओगे पता नहीं उनके एज में मैं जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा वो बोले कि यू विल नॉट गेट ऑक्सेंस बैल नहीं दिखेंगे इसकी वजह से बैल कट जाएंगे ही नेवर वेंट टू स्कूल्स बट ही हैड दैट फोर साइड एंड आई रियली टेल यू बिहार से मैं हूँ भैया को बता भी रहा था छः साल लगे मुझे एक देशी गाय खरीदने में छः साल लग गए वो भी पता नहीं प्योर है कि नहीं है छः साल लग गए मुझे देशी गाय बैल की तो छोड़ो भूल ही जाओ घर घर में ट्रैक्टर आ गए बच्चे सब शहर आ गए विलेज टू सिटी सिटी टू मेट्रो मेट्रो टू ऑन साइट ऑन साइट वाला से लेट्स गो टू मार्स देर इज नथिंग लेफ्ट ऑन प्लैनेट अर्थ और जो गया वो वापस नहीं आता दस साल अगर कोई रह गया यूएस में तो आता है क्या वापस अब बताओ नहीं आता ना और अगर बैंगलोर में अटक गए बिहार से या किसी स्टेट से दिल्ली में अटक गए तो बोले दादाजी पिताजी क्या कर रहे हो गांव में मैं थोड़ी खेत वेत बेचो ना मैं तो एक मैच बॉक्स खरीद लिया इधर पचास लाख का एक करोड़ का ले लिया आई एम हियर और उसका बेटा बोलता है लेट्स गो टू ग्रैंड प्लेस बोलता है ना जब उसकी छुट्टियाँ होती है अब उसका घर नहीं है उसके दादाजी का घर है रिलेशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ इट ऑल स्टार्ट्स अगेन आई टेल यू आई रिपीट इट ऑल स्टार्ट फ्रॉम द फूड हेन वेन यू से फूड वाटर यू हैव टू थिंक और फॉर गिव मी वी हैव बिन टॉकिंग अबाउट सो मच ऑफ प्लास्टिक लेट्स टॉक अबाउट द डिस्पोजल ऑल्सो उसको कैसे डिस्पोज करेंगे बिकॉज दिस स्मॉल सिटी कम्पेयर टू अदर मेट्रोज टू एंड हाफ थाउजेंड टन ऑफ किचन वेस्ट इज गेटिंग जनरेटेड एवरी डे टू एंड हाफ थाउजेंड ये ये दो दो हजार बारह का डेटा है उसके बाद मिला नहीं मुझे गूगल गुरु ने बताया नहीं मुझे कि इसके बाद का क्या डेटा है ऑलमोस्ट सिक्स मिलियन टन अ डे इन दिस कंट्री एनी आउटस्कर्स ऑफ एनी मेट्रो यू गो नाक बंद करना पड़ता है हमारा ही कचरा हमें बदबू देता है फिफ्टी फाइव परसेंट इज द वेट वेस्ट विच कैन बी डी कम्पोज कानू इट एंड यू नो दुनिया आप लोग सब बिजनेस हो दुनिया का सबसे बड़े जो बिजनेस कंपनीज हैं वो जी एम है मतलब गार्बेज मैनेजमेंट इट्स नॉट जेनेटिकली मॉडिफाइड गारबेज मैनेजमेंट में इट्स ए बिग बिजनेस और हम जो कंपोस्ट बनाते हैं आश्रम में लोग कलेक्टिंग ऑल द वेस्ट ऑफ द आश्रम कैंपस ग्रीन एंड ड्राई तीस रुपये किलो ले जाते हैं लोग जिनको गमले में उगाना है और समोहन सेट द इंटरनेशनल वैल्यू इज सिक्स रुपये से किलो तो पानी को कैसे बचाएंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो ना दैट इन दैट वीडियो फिर आई टोल द सिक्स एकर के खेत में छिहत्तर बोरवेली इट वॉज फोर्टी सिक्स छियालीस था मैंने गलती से बोला आई मेट दैट फार्मर इन द आश्रम फोर्टी सिक्स बोली जस्ट जस्ट हाइट ऑफ हिज पेशेंस मैन And कितना पैसा है उसके पास कितना पैसा है उसके पास 46 सिक्स बोरविल कैन यू काउंट हाउ मच मनी हूडा पुट मैं बोला अपने 10 प्रतिशत के खेत में एक पॉन्ड बना दिया होता है एक तालाब बना होता है दो साल में इतना पानी होता तो बेचता उससे होता कि नहीं होता लेकिन हम पता नहीं कहां उड़े जा रहे हैं यार कहाँ उड़े जा रहे हैं हम अपनी चीज को छोड़ के हमको लगता है बस विकास करना है हम विकास करना है आई रियली फाइंड इट स्टूपिड आई नो आई एम रूड बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ जब लोग आके किसान मुझे पूछते हैं ना ये ये जो गिर गाय है हमारे पास ना चार सौ में ऑलमोस्ट थ्री फिफ्टी वी है गिर गाय वो बड़ी बल्कि होते एकदम ये इसम सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है ब्राज़ील में तो सिक्सटी थ्री लीटर का रिकॉर्ड बनाया किसी ने हमारे यहाँ बीस लीटर तक देती है समझ रहे हैं आप उसको आके पूछते हैं तो हँसू ना यमे मैं अंता ये गाय है कि भैंस है कनकपुरा से फार्मर है वो पूछ रहे हैं हमको ये गाय है कि भैंस है और गाय बोलो तो बोलता है नाटी ना सीमे अंता एक बूढ़ा आदमी सत्तर अस्सी साल का हिंदी में पूछता है ये गाय बनती कहाँ है डू यू हैव एनी आंसर मैं बोला क्या करोगे जान के नहीं मुझे दस हजार गाय खरीदने में बोला तेरे औकात से बाहर की बात है गुस्सा हो गए वो बोले हाउ यू नो माई औकात में बोला आई डोंट टॉक अबाउट मनी तेरे पास इतना रिसोर्स नहीं गायन को खिलाने के लिए दस लोगों की फैमिली को चला नहीं सकते उसमें बंटवारा कर लेते हो बेटे को अलग पिताजी को अलग दादाजी को अलग और तुम दस हजार गाय को खिलाने की बात करते हो नहीं तो लोग पूछे ये देती कितना है मैं बोला माइलेज पूछ रहे हो क्या

और जब गाय देखते हैं तो पूछते हैं कि ये ये देती कितना है? आप समझ रहे हो क्या कर मैं बोला एक बच्चा भी है ना जो साइकिल देखता है तो उसको नहीं बोलता एक कार है कि साइकिल है लेकिन गाय को भिंडी का पौधा नहीं पहचानते लोग बोलते दिस तुलसी इज सो गुड लेट्स टेक ए फोटो मैं बोला मैडम दिस इज भिंडी नॉट तुलसी दिन में तीन बार खाते हो उसका पौधा नहीं पहचानते आप समझ रहे हो <laughs> दी एंड आई 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 एवरी डे आई टेल यू जैसे राजीव भाई ने बोला मैं परमाकल्चर हेड करता हूँ वहाँ पर वी हैव ए मॉडल फार्म इन आश्रम मे बी यू कैन कम एंड सी इट्स इट वॉज नॉट इन दैट गुड यू नो दिस थिंग सी जब ये आए थे गर्मी ज़्यादा थी हमारे पास एक ही लड़का था यू you नो know, खेती में करने में तो शर्म आती है लोगों को यार किसको चाहिए खेती द मोस्ट डेफिलोबल डू द फार्मिंग तीन चार सौ रुपये पर डे मिल जाता है सिटी में कौन जाए खेती करने के लिए गाय हमारे पास है दूध निकालने वाले से हमें स्ट्रगल होता रहता है मैं निकालता हूँ रोज़ बीस गाय का दूध नहीं मिलते लोग नहीं मिलते लोग पूछते मशीन लगा दो ना कहाँ कहाँ मशीन लगा दोगे तो फिर मिल्क मशीन हो गई तो जर्सी ले आओ तीस लीटर रोज़ का देगा आप समझ रहे हो और कर्नाटक में बताऊँ पानी का जस्ट टू मिनट्स एंड आई एम डन कर्नाटक में पानी की हालत इफ़ यू डोंट नो आई मेट अ तो फार्मर ही केम टू विजिट मै परमाकल साइट ऑन 2013 और 14 वर्ल्ड इन्वामेंट डे के दिन तो उन्होंने पूछा हमारी ग्रीनरी जब देखी वी हैव द लैंड इज़ हैविंग 90% परसेंट ऑफ स्टोन्स एंड 40 डिग्री ऑफ स्लोप पंद्रह साल से वहाँ कुछ नहीं हुआ और हमने बिना बोरवेल डाले वे डाल नहीं सकते वहाँ पर तीन हज़ार से भी ज़्यादा फीट जाना पड़ेगा बनशंकरी में भी तीन हज़ार फीट चला गया दो हज़ार पंद्रह में इफ़ यू डोंट नो वहाँ का बिल्डर आके मुझे बताया कि तीन हज़ार पे बोरवेल फेल हो गया तीन फीट पर तेल निकल जाएगा नहीं तो और नीचे गए तो पताल में चले जाएंगे ओबामा हाथी लगा वहाँ से इधर अमेरिका है इधर पानी नहीं है <laughs> तो वो बोलता है बंदा यू नो आई एम फ्रॉम कोलार एंड व्हेन आई वाज इन हाई स्कूल आई मीन दैट मीन्स थर्टी इयर्स बैक द कोलार में पानी था पंद्रह फीट बीस फीट पे मिलता था जब हम मिट्टी का दीवार बनाने के लिए गड्ढा खोदते थे तो कीचड़ निकलता था एंड नाउ इन फोर्टी ईयर्स हंड्रेड टाइम्स इट हैज़ गॉन डाउन थर्टी टू थ्री फीट इज़ द डेवलपमेंट इन कर्नाटक और फॉर दैट मैटर एवरीवेयर इन इंडिया मेरा घर से दो किलोमीटर गंगा नदी है चार तालाब थे चारों सूख गए 98 में जब घर छोड़ा मैंने जब बैंगलोर आया तो 20 फीट था अभी ढाई सौ फीट हो गए अभी भी जू नहीं रहे कान पे लगता है अरे गंगा तो बाजू में है ना नाइन एंड हाफ़ किलोमीटर इज द वीट ऑफ गंगा इन माई प्लेस नाइन एंड हाफ किलोमीटर लेकिन अभी ट्रैक्टर लेके इस पार से उस पार चले जाते हैं इन दिस टाइम बट इट डजन स्केरस हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग पर डे मेरा कैलकुलेशन है कि तीन से चार इंच पानी नीचे जा रहा है बेंगलोर का तीन से चार इंच पर डे पानी वही जो दो चार मिनट नहीं मिलता है तो ढूंढने लगते हैं हम मैं उसी की बात कर रहा हूँ पीने वाला पानी और अब जब बात कर रहे थे बहुत सारे स्पीकर ये पानी का क्वालिटी देखना इतना बर्बाद किया हमने अब हमने ही बर्बाद किया उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है बोरविल से एक तो पानी आया कि नहीं और आया तो कैसा आया आप समझ रहे हैं मिलियंस ऑफ लीटर ऑफ केमिकल एंड सीवेज गोज डाउन इन अदर अर्थ और यहाँ पर जाता है वहाँ जब बोरविल डालते हैं तो हम वी एक्सपेक्ट अमृत टू कम आउट फ्रॉम दैट है न प्रैक्टिकली नहीं चलेगा तो वी आर द वन वो वी इज़ द मोर डेवलप्ड ब्रीड जो जो है ना चौरासी लाख योनि में सबसे ज़्यादा तो हम ही होशियार हैं हम धरती पर रहें बाकी मर जाए वी डोंट केयर तो ये इस थाट प्रोसेस से बाहर आके थोड़ा नेचर को बचाने की अगर हम बात करें पानी बच जाए जी पानी बच जाए तभी पौधे बचेंगे फूल बचेगा और हम भी बचेंगे और हम इतना खेती करते हैं थोड़ा बाउंड्री पे, पे पेड़ लगा दो ना है ना मैं बोलता हूँ लोगों को एवरी डे अगर सत्तर अस्सी साल हम जिंदा हैं तो वी नीड सिक्सटीन पेड़ का ऑक्सीजन और टिश्यू पेपर भी तो चाहिए फर्नीचर भी चाहिए तो ट्वेंटी पेड़ पर हेड ऑन दिस प्लानट अर्थ वी नीड इट पर हेड लगाते कितना है अगर बेटे के बर्थडे पर अगर एक पेड़ लगा दिया तो यू थिंक यू विल कट इट पेरेंट्स के एनिवर्सरी पे एक पेड़ लगाया तो कटेगा भगवान ने पर्व त्योहार में उत्साह मनाने के फेस्टिवल मनाने के कितने अवसर दिए हैं आपको ज़िंदगी में दस बीस पेड़ तो हम साल में लगा सकते हैं डोंट टेल मी दैट वी आर दैट यूजलेस दैट यू डोंट गेट इवन हाफ एन आवर ए ईयर टू ट्री एंड टू सम आई टेल यू टू नॉट टू ट्री वी हैव एन नंबर ऑफ एक्सक्यूजेज बकरी खा जाएगी जी पानी कौन देगा पेड़ नहीं मिलता या शहर में लगाने कहाँ जगह है लगाने का ऑल दिस द स्टू एक्सक्यूज़ेस वी हैव बट टू ए ट्री वी हैव ओनली वन एक्सक्यूज कि जिस फ्रीक्वेंसी से जिस आसानी से हम जन्म से लेके मरने तक सांस लेते आ रहे हैं उसी आसानी से हमारे बच्चे भी सांस लें तो उसके लिए एक पेड़ लगा देना और नो देन वी विल टॉक अबाउट एवरी थिंग इकोलॉजी इज सेफ देन ओनली अदर थिंग्स विल बी सेफ ईजियर किसी ने मुझे बोला कि 40 डिग्री बेंगलोर में अभी हुआ 122 साल पहले भी 40 डिग्री हुआ था सो नथिंग टू वरी मैं बोला तब 40 डिग्री हुआ तो इतना पेड़ लगा कि बेंगलोर को ग्रीन सिटी और ए सी सिटी पता नहीं क्या क्या बोलते थे 10-15 साल पहले अब अगर इस इसमें हो कि पिछले साल बत्तीस डिग्री था इस साल चालीस डिग्री आठ आठ डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस कहीं देखा धरती पर आपने एक साल में इन ईयर टेल मी बेंगलोर में हुआ जहाँ सब कुछ मस्त था रोज बारिश होती थी तो सी इफ यू कैन हेड दिस वे इवन ए लिटिल एटलीस्ट यू कैन एजुकेट आर कमिंग जनरेशन स्टार्ट ग्रोइंग फूड एट होम कोई खेती की बात करता है तो उसको हम थोड़ा सपोर्ट दें भाई कर तो गाय रखने की बात करता है औंधिया इज़ अ डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र वहाँ पर से मैंने पहले सुना था जहाँ गाय देसी गाय है वहाँ पानी का लेवल मेंटेंड होता है पीपल डोंट यू नो दैट माइंड विल नॉट अंडरस्टैंड द लॉजिक यू डिग इन टू वे दाज यू विल अंडरस्टैंड यूफ्टल यू हैव इंटरेस्ट यू विल गेट द औंधिया में पानी का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ से एक बच्चा आया था मैंने उसको पूछा यार तुम्हारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या पानी का बोला कि हमारे बताए भैया अब हम, हम गाय नहीं बेचते हमारे यहाँ गाय मर जाए सौ हो जाए हज़ार हो जाए हम बेचते ही नहीं और हमारे यहाँ पानी का प्रॉब्लम है मैं बोला यस नाव आई गेट द कन्फर्मेशन गाय है तो पानी है पानी है आई मीन गाय नहीं तो पानी नहीं झारखंड इज़ द एग्जाम्पल अब पानी वहाँ नहीं है तो गाय भी नहीं है आप देख लीजिए कैन वी डू समथिंग इन दिस डशन थैंक यू सो मच जय गुरुदेव